हेलो गाइज, ये है इन्फिनिक्स इनबुक Y3 मैक्स लैपटॉप। अगर आप भी एक लैपटॉप परचेज करने की सोच रहे हैं और आपका बजट है 30,000 रुपीज, तो आप इस लैपटॉप को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इस लैपटॉप का प्राइस कम होने के साथ साथ इसमें प्रीमियम फीचर्स भी दिए गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको पहले इसके स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा और लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपको ये लैपटॉप परचेज करना चाहिए या नहीं। बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो ये मेटेलिक लाइट वेट एंड स्लिम लैपटॉप है। मेटेलिक होने की वजह से ये काफी ड्यूरेबल है। सेम प्राइस में आप HP, डेल, लिनोवो, आसूस जैसे लैपटॉप्स देखेंगे तो उसमें प्लास्टिक की बॉडी दी गई है जो कि ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है। डिस्प्ले की बात की जाए तो इसमें 16 इंच फुल HD प्लस बिग डिस्प्ले दी गई है, जिसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 87%। इसका मतलब इसके जो एजेस हैं काफी थिन हैं। ये स्क्रीन साइज आपको किसी और लैपटॉप में नहीं मिलेगा इस बजट में। इसमें सुपर टच बैकलिट कीबोर्ड दिया गया है विद नमपैड। 7 इंच का बिग AG ग्लास टच पैनल दिया गया है जो कि काफी स्मूथ और ड्यूरेबल है। 1080p फुल HD प्लस वीडियो कैमरा दिया गया है। साथ ही इसमें AI नॉइज रिडक्शन टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जिसकी हेल्प से वीडियो कॉलिंग एक्सपीरियंस बेटर हो जाता है। 70 वॉट आवर की बिग बैटरी दी गई है, जिससे 14.6 आवर्स तक का स्टैंड बाई टाइम और 8.5 आवर्स तक का 1080p वीडियो प्लेबैक मिल जाता है। 60 वॉट टाइप सी फास्ट चार्जर दिया गया है। PCIe 3.0 फास्ट SSD और LPDDR4X RAM दी गई है। एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम दिया गया है जो कि मल्टीटास्किंग करते वक्त भी लैपटॉप को हीट नहीं होने देगा। पोर्ट्स की बात की जाए तो इसमें 2 USB 3.0 पोर्ट, 2 टाइप सी पोर्ट, 1 HDMI 1.4 पोर्ट, 3.5 mm जैक और माइक्रो SD पोर्ट दिया गया है। डुअल DTS स्पीकर्स दिए गए हैं। i3 12th जेन प्रोसेसर, इससे सभी बेसिक टास्क जैसे MS ऑफिस, बेसिक गेमिंग, सोशल मीडिया स्मूथली यूज कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि आपको ये लैपटॉप परचेज करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, आप इस लैपटॉप को परचेज कर सकते हैं। उसका रीजन ये है, इन्फिनिक्स 3 साल से लैपटॉप्स पे एक्टिवली वर्क कर रहा है। हर 6 महीने में ये अपनी एक नई लैपटॉप सीरीज लॉन्च कर देते हैं। इसके अलावा मेरे पास भी इन्फिनिक्स का एक लैपटॉप है जो कि इन्फिनिक्स का पहला लैपटॉप था, और एक बार मुझे इसकी डिस्प्ले रिप्लेस भी करवानी पड़ी थी। तीसरे दिन ही टेक्नीशियन ने मेरे घर पर आके स्क्रीन रिप्लेस कर दी थी। मुझे सर्विस काफी अच्छी लगी। उसके बाद 2.5 साल हो चुके हैं, इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली। उसके बाद से इन्फिनिक्स ने काफी इम्प्रूवमेंट्स भी किए होंगे और इनके लैपटॉप्स को रेटिंग भी ठीक ठाक मिल जाती है। दूसरा, मैं यही कहूंगा कि इसे फर्स्ट सेल में परचेज ना करें। उसका रीजन ये है कि जरूरी नहीं कि इसे अच्छी रेटिंग मिले, और अगर अच्छी रेटिंग नहीं मिली तो उस कंडीशन में आपको ये लैपटॉप परचेज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप इसका अपर वेरियंट भी देख सकते हैं जो की है इन्फिनिक्स Y4 Max। ऑफर लगा के वो 32,000 रुपीज में अभी अवेलेबल है। इसके अलावा आप फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल का भी वेट कर सकते हैं। उस सेल में आपको लैपटॉप्स काफी ह्यूज डिस्काउंट्स पे मिल जाएंगे। अगर अब भी आपको लैपटॉप से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए।